हेलो वर्ल्ड, नमस्ते इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको बायोफ्लॉक के वाटर प्रिपरेशन की विधि बताऊंगा। मतलब टैंक में पानी कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रोबायोटिक्स कैसे डालेंगे या और भी सामग्री कैसे डालेंगे। चलिए प्रैक्टिकल ही देख लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज आपको हम बायोफ्लॉक का वाटर प्रिपरेशन सिखाते हैं। ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ वो एक एक्वेरियम में कर रहा हूँ, ताकि ये डिमॉन्स्ट्रेशन आप सभी कर सकें अपने अपने घर में। और मैं चाहता हूँ कि आप ये डिमॉन्स्ट्रेशन फर्स्ट टाइम एक्वेरियम में ही कीजिए या कोई छोटे टैंक में कीजिए। आप अपने प्रोडक्शन वाले टैंक में मत कीजिए, यानी उस टैंक में मत कीजिए जिसमें आपको मछली पालना है। बड़े टैंक में मत कीजिए। तो अभी आप छोटे टैंक में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, और अगर सब कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सारा रिज़ल्ट रहा तो फिर इस चीज़ को आप बड़े टैंक में कीजिए। और बड़े टैंक में एक्सपीरियंस हो जाने के बाद, बड़े टैंक में अच्छा खासा जब आपका ऑब्जर्वेशन हो जाए, जब आपको उसका सारा जमा घटाव समझ में आ जाए, उसके बाद ही आप उसको बड़े लेवल पर कीजिएगा। इससे आपको किसी तरह की हानि से बचने में मदद मिलेगा। मैं चाहता हूँ एज ए हितैषी आपका, मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए नई है। आपने ये चीज़ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, खुद से प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो डायरेक्ट दो टैंक, पांच टैंक या 10 टैंक लगाकर उसमें आप अगर बहुत सारा प्रोबायोटिक्स खर्चा कर देते हैं, उसमें अपना समय लगा देते हैं, उसमें मछली डाल देते हैं आप बहुत सारा एक्सपेंस करके, तो हो सकता है कि आपको ये तकनीक सही से इसकी जानकारी ना होने की वजह से आपका नुकसान हो जाए। इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया है कि पहले आप लोग इस चीज़ को जो प्रोबायोटिक्स मैं प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं आपको, वो प्रोबायोटिक्स को, प्रोबायोटिक्स बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है हमारे ट्रायल्स में। तो मगर प्रोबायोटिक्स अच्छा है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप इस टेक्निक को कितना उस पर महारत हासिल कर चुके हैं, कितना इसको आप समझ चुके हैं इस टेक्निक को, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आप पहले छोटे से टैंक में इसका तजुर्बा कर लीजिए। जब इसमें आपको महारत हासिल हो जाए, जब इसमें आपको एक्सपर्टाइज हो जाए, जब आप समझ जाए अच्छे से कि कब क्या डालना है, फ़िश को किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, कब क्या एरेशन चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए, कितना और कैसे उसको मेंटेन करना है, जब ये सारा एक्सपीरियंस हो जाए आपको, जब इस पर आप कंट्रोल कर लें, जब ये सारी चीज़ आप समझ जाएँ अच्छे से, तब आप एक टैंक में मछली पालन शुरू कीजिए। और उस एक टैंक को भी अच्छे से जब समझ में आ जाए, तभी आप उसके बाद बड़े लेवल पर जाइए। हमारे एक्सपेरिमेंट्स में हमने बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं हमारे ट्रायल्स में, जिसमें हमारे पास मृगल भी है, रोहू भी है, और पंगास भी है, और कॉमन कार्प भी है जिसको आप गोल्डन भी बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मछलियों को हमने ट्रायल में रखा हुआ है, और हमारे ट्रायल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और बहुत जल्दी हम, आप पहले ये छोटे टैंक का तजुर्बा कर लीजिए, उसके बाद हम बहुत जल्दी आपको, हो सकता है कि 10 दिन में फिर आपको बड़े टैंक में सारा सेटअप, टैंक का सेटअप और उसमें कैसे सब कुछ करना है, वो सारी चीज़ की हम ट्रेनिंग डिटेल में देंगे। हमारे वीडियोस को आने में थोड़ा देर हो जा रहा है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र कीजिए। उसका कारण ये है कि देखिए, हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हमें यूट्यूबर का व्यू के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीरियस लोग हैं, रिसर्चर हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ज़मीन पर। इसमें बहुत समय लगता है रिसर्च में, हमारा हम लोग रिसर्च में दिन रात बिज़ी रहते हैं। और रिसर्च के बाद जो हमारे पास डेटा आता है, जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, हम उसको यूट्यूब के माध्यम से आपको सटीक जानकारी पहुंचाते हैं।
तो YouTube हमारे लिए केवल आप तक पहुंचने का एक आसान और सीधा माध्यम है, ना कि हमें कोई व्यू चाहिए। यही कारण है कि हम बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी अपलोड करने के बजाय हम अपने रिसर्च में बिज़ी हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हर तरह के फ़िश के जाति पर, प्रजाति पर, और उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और फिर जैसे जैसे ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है, हम वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए, आपको हम अपने मेन जो आज का मुद्दा है वो ये कि हम आपको वाटर प्रिपरेशन सिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक छोटा सा वेइंग स्केल मंगा लिया है, और इस वेइंग स्केल में आप ग्राम के हिसाब से वज़न कर सकते हैं। तो हमारा जो सैंपल है, हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, इस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हमारे टैंक में वाटर की कैपेसिटी है 50 लीटर्स। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि हम 50 लीटर वाटर में टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। अब इस 50 लीटर वाटर में जो हम सामग्री डालेंगे वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCO3 बोलते हैं। उसके बाद सॉल्ट है, नमक। ये नमक रॉ सॉल्ट इसको बोलते हैं। रॉ मतलब बहुत सारे लोग YouTube पे रॉ को रॉक समझते हैं और वो रॉक सॉल्ट बोल रहे हैं, तो वो भी एक भर धोखा देने वाला स्टेटमेंट है। आप इसको रॉ को रॉक मत समझिए। रॉ मतलब कच्चा, यानी अनप्रोसेस्ड, ऐसा नमक जिसको प्रोसेस नहीं किया गया हो, जिसको फैक्ट्री में उसमें कुछ डाला ना गया हो, उसको एक्स्ट्रा प्योरीफाई ना किया गया हो। रॉ सॉल्ट मतलब वो नमक जो समंदर के किनारे से निकलता है और उसको बगैर कुछ प्रोसेस किए हुए डायरेक्ट दुकानों तक आ जाता है, जहाँ से आप खरीद सकते हैं। और जो खाने वाला नमक होता है वो फैक्ट्री में जाकर प्रोसेस किया जाता है, उसको एक्स्ट्रा प्योरीफिकेशन किया जाता है, और वो प्योरीफिकेशन के बाद उसके अंदर आयोडीन डाला जाता है। तो वो वाला नमक इसमें नहीं चलेगा बायोफ्लॉक में। इसमें जो कुदरती तौर पर नमक पाया जाता है अपना समंदर के किनारे, वो वाला नमक चलेगा, यानी रॉ सॉल्ट। इसमें कोई आयोडीन या कोई चीज़ मिला नहीं होता, कोई प्योरीफिकेशन नहीं किया होता, तो इसमें वो वाला रॉ सॉल्ट लगेगा। उसके बाद जैगरी लगेगा। जैगरी मतलब गुड़। तो आप गुड़ तो अच्छी तरह से आप जानते हैं आप सभी लोग, तो इसमें गुड़ लगेगा। और जो अब तक बायोफ्लॉक पर रिसर्च हुआ है उसमें पाया गया है कि चीनी भी डाला जा सकता है, गुड़ भी डाला जा सकता है कार्बन सोर्स के तौर पे, और मोलासेस भी डाला जा सकता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया रिज़ल्ट फ्लॉक का आया है रिसर्च में, वो आया है गुड़ का। गुड़ और मोलासेस के रेट में बहुत डिफरेंस है। तो कमर्शियली फ़िश फार्मिंग में जब आप कमर्शियल कीजिएगा तो आप मोलासेस ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि गुड़ आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग हम अपने ट्रायल में हम गुड़ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फाइनल और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ऑफ कोर्स वो जो डालनी है वो है प्रोबायोटिक्स। तो अब ये सब आप नोट कर लीजिए कि क्या चीज़ की कितनी मात्रा पड़ेगी। CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट, वो अच्छे से नोट कर लीजिए, 0.05 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पड़ेगा। यानी जो हमारा 50 लीटर का पानी है, तो 50 लीटर के हिसाब से 2.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पड़ेगा, यानी एक लीटर में 0.05 कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको चूना भी बोलते हैं। तो ये वाला चूना कैल्शियम कार्बोनेट, और एक और बात आप नोट कर लीजिए कि ये जो पान में लगाने वाला चूना है वो चूना नहीं होता, और ये चूना जब पानी में डाला जाता है तो ये हीट जनरेट नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता। ये वो वाला चूना है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कितनी मात्रा में लेनी है आपको, 0.05 ग्राम एक लीटर पानी के लिए। अब 0.05 ग्राम हमारे पास पानी है 50 लीटर, तो उसके हिसाब से हमारे पास 2.5 ग्राम
कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा। अब उसी हिसाब से आपके पास अगर 10,000 लीटर का टैंक है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 0.05 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चूना 10,000 पानी के लिए, 10,000 लीटर के लिए 500 ग्राम मतलब आधा केजी चूना लगेगा आपके 10,000 लीटर पानी के लिए। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है सॉल्ट। सॉल्ट आपको डालना है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अगर आपका टैंक 10,000 लीटर का है तो उसमें सॉल्ट 10 केजी लगेगा 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अब आ जाइए जैगरी या मोलासेस पर। तो मोलासेस या जैगरी आपको 0.1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज़ करना है। 0.1 लीटर के हिसाब से 50 लीटर पानी में 5 ग्राम जैगरी लगेगा। अगर आपका टैंक 10,000 लीटर का है तो उसमें 1 केजी मोलासेस या जैगरी लगेगा। अब आ जाइए फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट पर, जो है आपका प्रोबायोटिक। जो प्रोबायोटिक आप हमसे ले रहे हैं उस प्रोबायोटिक का CFU लगभग 10 बिलियन से ऊपर है, यानी ये काफ़ी सघन मात्रा में है। और इसलिए ये प्रोबायोटिक जो स्टार्टर बायोफ्लॉक स्टार्टर प्रोबायोटिक है, हम जो आपको प्रोबायोटिक प्रोवाइड करेंगे वो दो तरह का प्रोबायोटिक रहेगा। एक रहेगा बायोफ्लॉक स्टार्टर प्रोबायोटिक और एक रहेगा आपको मेंटेनेंस प्रोबायोटिक। यानी एक प्रोबायोटिक वो रहेगा जिससे आप बायोफ्लॉक नए टैंक में स्टार्ट करेंगे, और दूसरे पैकेट में वो प्रोबायोटिक रहेगा जिसको आप एज अ मेंटेनेंस डोज टाइम टू टाइम आप टैंक में डालेंगे। तो जो स्टार्टर प्रोबायोटिक है वो 0.03 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसमें अप्लाई होगा, यानी 50 लीटर पानी में 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम प्रोबायोटिक डलेगा। और अगर आपका 10,000 लीटर का टैंक है तो उसमें 300 ग्राम प्रोबायोटिक लगेगा आपके बायोफ्लॉक को स्टार्ट करने के लिए। और ये सारे चीज़ को आपको कोई अलग अलग समय में डालने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा प्रोबायोटिक्स है, आप ये सारी सामग्री जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना, नमक, मोलासेस एंड प्रोबायोटिक, ये सारी चीज़ को आप एक साथ मिक्स करके आप पानी में डाल सकते हैं। और उसके बाद टैंक को काफ़ी हाई एरेशन में डालना होगा, और इसी हाई एरेशन में आपको कम से कम 7 दिन से 10 दिन तक आपको ये टैंक को छोड़ देना है, जिसके अंतर्गत जो प्रोबायोटिक्स है, जो गुड बैक्टीरियाज हैं, वो काफ़ी अच्छी तादाद में आपके टैंक में फलने फूलने लगेंगे और वो अपना काम करने लगेगा, यानी अमोनिया को ख़त्म करने का काम। तो जब आप, और फिर हम लोग 10 दिन के बाद हम लोग टैंक के पैरामीटर्स चेक करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चेक करना है आपको। वो सारी चीज़ चेक करने के बाद अगर हर चीज़ सारा पैरामीटर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहेगा, तब फिर उसमें आप मछली स्टॉक करेंगे। तो आई होप के ये सारी विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 2.5 ग्राम। तो ये है हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम एक बॉल में डाल देते हैं, और इस बॉल को हमने साइड में रख दिया। और फिर इसमें दूसरी सामग्री है हमारी सॉल्ट, रॉ सॉल्ट। तो ये हमारे पास है रॉ सॉल्ट। जो रॉ सॉल्ट की मात्रा है वो 50 लीटर पानी में
50 ग्राम लगेगा, तो हम इसमें 50 ग्राम डाल ले रहे हैं। ये लगभग 50 ग्राम रॉ सॉल्ट हो गया, तो ये रॉ सॉल्ट को भी हम 50 ग्राम रॉ सॉल्ट को इसमें ही डाल देते हैं, मिला लेते हैं। अब जो नेक्स्ट सामग्री है वो है जैगरी। जैगरी 5 ग्राम चाहिए, तो ये 5 ग्राम जैगरी हो गया, थोड़ा ज़्यादा है। और फाइनली प्रोबायोटिक 1.5 ग्राम। ये लगभग 1.5 ग्राम प्रोबायोटिक्स हो गया। ये सारी सामग्री को हमने एक साथ मिक्स कर दिया है। अब चूंकि प्रोबायोटिक्स बहुत सारे बैक्टीरिया का स्पोर्स उसके अंदर होता है, बैक्टीरियल स्पोर्स होता है, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप इसको एक इस तरह का ग्लव्स पहन लीजिए, या आप पॉलीथीन भी लगा सकते हैं हाथ में, और वो यूज़ करके आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। ये सारी सामग्री को आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब इन सारे घोल को आप ये इस तरह का एक, अगर दिख रहा हो तो ये घोल तैयार हो गया है। अब इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं।